हेलो, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक सेकेंड, पहले इसको सेट कर लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में बनाना, मैंने इंस्टाग्राम पे एक्चुअली एक Q&A स्टोरी लगाई थी। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां भी कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल सपना मनोहर। तो मैंने दो बार स्टोरी लगाई थी Q&A वीडियो के लिए, तो काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। और क्वेश्चंस है ना, व्लॉग के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो कि एक वीडियो बना लेते हैं और फिर एक लास्ट हम बिल्कुल डिलीवरी के आसपास बना लेंगे, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है अबाउट माय प्रेगनेंसी, उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल शेयर कर लेते हैं। तो आज मैं आपके ही सवालों का जवाब देने वाली हूँ अपने इस वीडियो के अंदर, कि जो कि आप मेरे को हर व्लॉग के अंदर पूछते रहते हो और आपके मन में भी है कि ये चीज ऐसे वैसे वो सब चीजें हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे कमेंट करना कि मेरी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली जर्नी थी, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे वो कैसे निकले थे, उस पर मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मैंने क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन मैंने कुछ 15-16 क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं उनके रिप्लाई आपको करूंगी और इन क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के रिप्लाई मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आया है, बेबी बॉर्न डेट कब है? ओके, तो मेरी जो डिलीवरी डेट है वो है 15 अगस्त। जी हाँ, 8 अगस्त को मेरे को 9th month कंप्लीट होगा, उसके बाद 1 week डॉक्टर लेके चलते हैं। तो ये जो डेट होती है लास्ट डेट होती है, तो इसके पहले बेबी कभी भी हो सकता है, वो तो लास्ट है कि फिर हाँ उस दिन तो होना ही है, तो अगस्त तक मेरा बेबी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक पेन होता है क्या? आपको बेबी मूवमेंट किस साइड आपको मूवमेंट किस साइड ज्यादा फील होती है और किस साइड आपको सोना ज्यादा पसंद है? तो बैक पेन की हम बात कर ले तो मुझे बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है, डे वन से ही रहता है। मतलब ऐसे नहीं रह रहा कि रेगुलर रह रहा है, लेकिन मैं जैसे थोड़ा झुकती हूँ, झाड़ू निकाल रही हूँ, या फिर अगर मैं लेट के करवट बदलती हूँ, उठती हूँ, तो मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा फील होता है। और मेरे को बैक पेन पूरी कमर में नहीं फील होता, सिर्फ मेरे को राइट साइड में ज्यादा फील होता है। बेबी की मूवमेंट की मैं बात करूँ तो बेबी की जो मूवमेंट है यार, वो ऐसा किसी साइड तो नहीं फील हो रही, पर हाँ लेफ्ट साइड थोड़ी ज्यादा मुझे फील होती है बेबी की मूवमेंट। और सोना मुझे लाइक वैसे तो मुझे यू नो टमी के मतलब पेट के बल लेटना ज्यादा पसंद है, बट अभी नहीं पसंद, अभी तो नहीं लेट सकते हैं, तो मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल वैसे राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में बताते हैं सोना, बट आपको जहां कंफर्ट होता है आपको वहां सोना चाहिए, तो मुझे राइट साइड में ज्यादा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, बेबी का नाम आप दोनों के नाम पे रखना। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मेरे पास आता है और कुछ लोग बेबी का नाम भी सजेस्ट करते हैं, लाइक संदीप, सपना और कुलदीप बनके संदीप, बट ये संदीप यू नो थोड़ा सा लाइक अभी नाम पुराना हो चुका है। आजकल बच्चों के नाम छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से नाम रखते हैं, नाम हम इसलिए नहीं सोच रहे हैं पहले से, कई कपल्स होते हैं जो पहले से ही अपने बच्चों के नाम सोच लेते हैं कि हम ये नाम रखेंगे, हम वो नाम रखेंगे, बट मेरा ये है कि मैं ऐसे ही अपनी मर्जी से नाम नहीं रखूंगी, जो कि अक्षर निकलेगा उसकी कुंडली के हिसाब से उसी पे मैं नाम रखूंगी। दो दो तीन तीन नाम करके कोई मतलब नहीं होता यार, फिर है ना बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, बाद में प्रॉब्लम से सेंस हम कुंडली अलग बनवाते हैं फिर ये, क्योंकि मैं भी इन चीजों में मानती हूँ, तो इसलिए मैं नाम के बारे में अभी से नहीं सोच रही हूँ। तो मैं जो घर पे नाम रखूंगी, मतलब एक स्कूल का नाम होगा, एक घर का नाम होगा, तो घर का नाम भी हम कोशिश करेंगे कि उसके जो जन्म का अक्षर है उसी पे निकाले हम लोग, तो वो चीज अगर उस अक्षर पे मेरा और कुलदीप का नाम मिलकर कुछ नाम बनता है तो हम रखेंगे, अदरवाइज नाम हम जो हमारी कुंडली का होगा वही रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, वेट मेरा और बेबी का। तो देखिए, मेरा भी जो वेट है वो मेरा वेट अभी हो चुका है 78, लाइक 1 महीने पहले था, तो अभी मैं सोनोग्राफी के लिए जाऊंगी एक दो दिन में, शायद इससे आपके पास ये व्लॉग है उससे पहले वो व्लॉग आ जाएगा, तो उस टाइम पे देखूंगी मेरा वेट कितना, मतलब 80 हो गया होगा। बेबी का जो वेट था वो लास्ट मंथ से लास्ट मंथ आई थिंक 6 मंथ तक बेबी का वेट बहुत कम था, 400 ग्राम भी नहीं था, बट अभी देखते हैं 8th month में कितना आया है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ, तो हम फटाफट फटाफट इस वीडियो को बना लेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। व्हाट डू यू वांट एज योर फर्स्ट चाइल्ड? देखिए, कभी कभी प्रेफरेंस रखते हैं पेरेंट्स की, हमें ये पहला बच्चा ये चाहिए, हमारी भी थी, मेरी और कुलदीप की भी थी, हम जब भी बेबी के बारे में डिस्कशन करते थे डे वन से, वी वांट कि हमें बेबी गर्ल हो फर्स्ट जो चाइल्ड होता है, हमें देखो दोनों चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें लाइक बेटा ही चाहिए या बेटी ही चाहिए, ऐसा नहीं, हमें दोनों बच्चे चाहिए थे, बेटा बेटी दोनों, लेकिन
जब मतलब दोनों चीज चाहिए थी, लेकिन हमें एज ए फर्स्ट गर्ल चाहते थे। लेकिन मैं सीधे सच्चे बताऊं ना आपको, कोई झूठ नहीं बोलूंगी, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई प्रेगनेंसी में, तो उसके बाद में ऐसा कुछ दिमाग में अब नहीं है कि बेटी ही होनी चाहिए या बेटा ही होना चाहिए। अब ये होता है कि जो भी हो हेल्दी हो जाए अच्छे से और अच्छे से डिलीवर हो जाए, तो वो चीज़ है। अब बिल्कुल माइंड में नहीं है यार कि फर्स्ट यही चाहिए या ऐसा कुछ, वो चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी डिलीवरी पीहर क्यों करवा रहे हो? ये बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि आपकी डिलीवरी पीहर क्यों करवा रहे हो, आपके तो पास में ही रहते हो फिर भी ऐसे करके। तो देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ नहीं हो सकती मेरी डिलीवरी, जो मेरी मदर इन लॉ है अब वो नहीं कर सकती हैं, और तो उन्होंने बोला कि मतलब उनके नहीं है अभी इतनी कैपेसिटी कि वो मतलब डिलीवरी वगैरह करें। एंड डिलीवरी एक ऐसी चीज़ होती है यार कि अगर मतलब बोलते हैं औरत का दूसरा जन्म होता है, अगर उस टाइम पे आपकी अच्छे से केयर नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो फिर आपको लाइफ टाइम आपकी बॉडी खराब होती है, लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो दैट्स वाई मैं मेरी जो डिलीवरी है वो मेरी मम्मी के ही वहाँ करवा रही हूँ, और वहाँ अच्छे से मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है वो करवा देंगी, इसलिए मेरी डिलीवरी पीहर में ही हो रही है। अगर यहाँ करवाते तो मैं यहाँ भी करवा लेती, मुझे कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के पीहर जा रही हूँ पीहर करवाने के लिए, बट यहाँ नहीं हो सकती है, मतलब मम्मी जी नहीं कर पाएंगे इसलिए, और बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मेरे को वहाँ ज़्यादा मतलब करना है इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना पसंद है और क्या काम करना पसंद है? ये है, तो काम तो मुझे कोई करना पसंद नहीं है, जोक ऑफ द पार्ट है ना। खाने में ऐसा कुछ नहीं है कि यही चीज़ मेरा खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ मुझे पूड़ी खाने का बहुत मन करता है, क्रेविंग्स करती है कि पूड़ी हो गई, सूखी आलू की सब्जी, या फिर वो भंडारे वाली सब्जी होती ना, वैसा कुछ खाने का मेरा ज़रूर मन करता है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर मेरा कुछ एक ही चीज़ खाने का मन कर रहा है। इन दिनों वैसे मेरे को राइस थोड़े अच्छे लगते हैं बजाय रोटी चपाती के। और काम की बात है तो अगर आप घर के काम की बात कर रहे हो तो काम ऐसे हो जाता है यार, पसंद नापसंद नहीं होता, कि वो काम है आपका, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करनी है। बाकी अगर आप वैसे काम का पूछ रहे हो कि इन प्रेगनेंसी मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें जो पसंद आती है, तो मुझे है ना वैसे ज़्यादातर अभी मन करता है कि लेट के, या तो मैं जैसे अपना जो वर्क करती हूँ यूट्यूब का, उसमें करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, कंफर्ट रहती हूँ अपना इसी चला के गर्मी में, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कोई काम नहीं करना पसंद आ रहा है या मुझे कोई काम करना पसंद ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल रूटीन है वही मेरा चल रहा है। स्टार्टिंग के हाँ 3-4 महीने काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउंस हुए थे इमोशनली फिजिकली, बट उसके बाद में चीज़ें जब लाइन पर आई तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है क्या आपको प्रेगनेंसी में? बहुत ज़्यादा रहती है एंड ये बहुत नॉर्मल है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये डॉक्टर भी खुद बता देंगे, इवन आपको कुछ टैबलेट्स भी देंगी। कभी कभी इतनी ज़्यादा रहती है कि आपको वॉमिटिंग वगैरह, चक्कर आना, ये सब भी हो जाते हैं खाली पेट, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भूखे नहीं रहना ज़्यादा देर, उठते ही कुछ खा पी लो ताकि गैस वाली प्रॉब्लम ना रहे। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप कितने बेबी चाहते हो? हम कितने बेबी चाहते हैं? दो ही चाहते हैं, दो ही करने चाहिए आज के टाइम पे, हम दो हमारे दो। लेकिन अभी आज जो अभी की कंडीशंस है, हमारी जो बॉडी हो गई है, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसमें ऐसे होता है एक अच्छे से डिलीवर हो जाए वही बहुत है। तो देखो अभी तो खैर जो फर्स्ट बेबी है यही अच्छे से आ जाए, डिलीवर हो जाए, बाद के बाद में देखेंगे कि आगे प्लान करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते भी हैं तो एक और बस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो कि मुझसे बहुत बार पूछा गया, मैंने एक आई थिंक अपना प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वाले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, सब क्रॉनिक जो हैमरेज है वो मेरा कैसे ठीक हुआ था। सब क्रॉनिक हैमरेज थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इतना मुझे भी डिटेल में नहीं पता है। आपकी जो बेबी है बाहर जो लेयर होती है ना एम्ब्रियो वाली, उसके बीच में कुछ ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग टाइप से होता है ये, सब क्रॉनिक वाला भी, मेजर भी होता है, माइनर भी होता है। तो मुझे थोड़ा सा क्लॉट था इकट्ठा जो कि मेरी सोनोग्राफी में आया था, उसका सबसे अच्छा जो है मतलब कि सॉल्यूशन वो है, एक तो आप पॉजिटिव रहो और दूसरा आप रेस्ट करो। उस टाइम पे आपको बिल्कुल प्रॉपर बेड रेस्ट पे रहना होता है। तो मेरा सब क्रॉनिक जो हैमरेज था उस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन थी, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ऐसे रहती थी। लेकिन जब मुझे ये हुआ और जिस दिन मुझे पता चला और मैंने यूट्यूब पर सर्च कर लिया था, उसी टाइम पर मेरा बीपी बिल्कुल डाउन चला गया था, मुझे चक्कर आ गए थे घबराहट के मारे। लेकिन फिर उस टाइम के बाद से मैंने भी कुछ वीडियोज़ देखे और मैंने देखा कि ये चीज़ हो जाती है कई बार,
प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, बहुत मेजर मिसकैरेज टाइप में हो जाता है। बट उसके बाद में मैंने बिल्कुल पॉजिटिव हो गई थी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गई थी कि हाँ मेरी एकदम नॉर्मल लाइफ चल रही है, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी प्रेगनेंसी से। और थोड़ा सा मैं रेस्ट पे भी ध्यान, मतलब काम से उछल कूद नहीं मचाना, उस मेरे को सेकेंड मंथ में पता चला था। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के आई थिंक 4 महीने तक ज़्यादा बाहर नहीं गई हूँ, बहुत रेयर गई हूँ। अब जो आप देखते हो कि घूमती फिरती रहती, कई लोग बोलते भी, तो वो मैं अब घूमने फिरने लगी हूँ जब मैं बिल्कुल बेटर हूँ। तो उस टाइम पर मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी और रेस्ट ही करती थी, काम भी मैं जैसे ऊपर नीचे का भी बहुत कम उतरना चढ़ना ये वाली चीजें करती थी। तो उस वजह से मेरा सबक्रॉनिक जो हैमरेज है वो ठीक हुआ। जब नेक्स्ट सोनोग्राफी हुई तो उसमें पता चला कि ऐसा नहीं है। तो बस ये चीज है कि अगर आपको है तो आप प्लीज पॉजिटिव रहो, स्ट्रेस मत लो और फिर आप रेस्ट करो तो आपका वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सबसे अच्छा ट्राइमेस्टर कौन सा था? तो मेरा जो सबसे अच्छा ट्राइमेस्टर रहा है ना, वो मेरा ये थर्ड वाला चल रहा है। थर्ड वाला रिस्की होता है, वैसे लोग बोलते हैं कि आपका फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर रिस्की होता है, सेकेंड वाला ट्राइमेस्टर आपका बहुत अच्छा जाता है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ ना, मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत गंदा गया है फिजिकली तौर पे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ने मेरे को इमोशनली बिल्कुल तोड़ दिया था, लाइक मैं बिल्कुल एक सही कंडीशन में नहीं थी मेंटली। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, लाइक पूरे दिन रोना ये सब वाला था। सेकेंड जो ट्राइमेस्टर था, जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल औरतों को, लाइक वॉमिटिंग होना, ये मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हुई। जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला था तब मुझे वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हुई, फर्स्ट में मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा बहुत गंदा था, लाइक वॉमिटिंग होना, खाने में से बदबू आना, रोटियां नहीं बनती थी, सब्जियां नहीं बनती थी और पूरे दिन वॉमिटिंग करती रहती थी, लाइक ये वाला था। थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे को स्वेलिंग रहती है, पैरों में दर्द रहता है, लेकिन वैसे मैं मस्त हूँ। आपने देखा है कि घूमती फिरती रहती हूँ, कहीं जाना हो कहीं आना हो, मतलब वैसे बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो मेरे लिए तो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर अच्छा चल रहा है और अभी तो खैर 1.5 महीना बाकी है थर्ड ट्राइमेस्टर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप के बेबी के लिए आपके और आपके हस्बैंड के बाद सबसे ज़्यादा कौन एक्साइटेड है? वैसे तो देखो घर में सभी एक्साइटेड हैं, बेबी हमारा आ रहा है तो फर्स्ट, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो मेरे और कुलदीप के बाद में मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे बेबी के लिए, क्योंकि हमारे उधर पहला बच्चा है। इधर तो जैसे है हमारे दो बच्चे, लेकिन उधर हमारे इधर हमारे दो बच्चे, मतलब मेरी जेठ जेठानी और मेरी ननद के, तो उधर हमारा फर्स्ट बेबी आएगा। तो वो मम्मी ज़्यादा एक्साइटेड है, उनको था कि हाँ जल्दी हो जाए बेबी, मतलब सिर्फ वही थी जो मुझे फोर्स करती थी फॉर बेबी, ऐसा और कोई नहीं था। तो वो चीज़ है। और यहाँ मेरी जैसी ननद भी हैं, उनके भी बेबी होने वाला है, तो यहाँ तो यू नो दो जगह एक्साइटमेंट है, मतलब दो हिस्सों में है कि हाँ उनका भी आने वाला है मेरा भी, बट वहाँ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि सिर्फ मेरा ही आने वाला है ना, तो मेरी मम्मी ज़्यादा एक्साइटेड है, बाकी तो सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCOD में आपके पीरियड्स खुल के आते थे क्या? हुकुम, आई हैव PCOD 4 times, मिसकैरेज हो चुका है मेरा। तो हाँ मुझे पीरियड्स जब आते थे तब खुल के आते थे, आते मुझे लेट थे, मतलब 3-4 महीने में, कभी 2 महीने में भी आ गया, लेकिन जब आते थे तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आते थे, 7 days आते थे मुझे प्रॉपर। और मिसकैरेज की बात है डियर, तो मुझे भी मिसकैरेजेस हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया, मैंने नेचुरल 2-3 बार कंसीव किया था, बट मेरा मिसकैरेज हो गया था क्योंकि PCOD रहता है तो आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते, तो मैं चेक ही नहीं करती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था, तो वो वाली चीज़ है। और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन भी ऐड कर देती हूँ, किसी ने मुझसे पूछा है बार बार कि आपको जो PCOD वाली प्रॉब्लम थी वो अभी ठीक हो गई है क्या? तो देखो PCOD के साथ ही मैंने कंसीव किया है, मेरा PCOD उस टाइम पर ठीक नहीं था, तो अभी मुझे नहीं पता कि मेरा ठीक हुआ है नहीं ठीक हुआ है, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब प्रेगनेंसी के बाद पता चलेगा बेबी डिलीवर होने के बाद में कि क्या कंडीशन रहती है। लेकिन अगर आप जैसे बोल रहे हो कि आपका 4 times मिसकैरेज हो गया, तो देखिए अब PCOD में आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते होंगे, तो जब भी आपके पीरियड मिस हो आप हमेशा चेक कर ले। और क्योंकि इस बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैंने चेक कर लिया था और फिर मैंने सही टाइम पे डॉक्टर को दिखा दिया था, तो उससे आपको प्रॉपर बेड रेस्ट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या खाने का मन करता है? तो मैंने बताया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एक चीज़ खाने का मन नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रेगनेंसी की वजह से मुझे स्पेशल कुछ ऐसी इच्छा कर रही है। जो मेरा पहले मन करता था वही, जैसे पूड़ी सब्जी पराठे मुझे पहले भी पसंद थे तो मुझे अभी भी पसंद है। नेक्स्ट है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, मैं क्या करूँ?
वीकनेस रहती है तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, लाइक आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध दही, जैसे मुझे भी दूध इतना नहीं पसंद था लेकिन मैं दोनों टाइम ले रही हूँ, और उसके अलावा जैसे गर्मियाँ हैं अभी तो उस वजह से भी थोड़ी रहती है वीकनेस, मुझे भी बीपी लो वगैरह होता है तो कई बार ऐसे लगता है कि अंदर से बहुत कमजोरी आ रही है। तो आप नींबू पानी पी सकते हो, पनीर खाओ आप अच्छे से, पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, स्प्राउट्स ले सकते हो, लेकिन स्प्राउट्स कच्चे नहीं लेने हैं आपको। तो ये चीज़ें खाओ आप ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए। आप देख सकते हो थ्रेप्टिन करके एक बिस्किट आते हैं, मैंने भी अभी यूज़ किए हैं, वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्सेज है, तो आप वो इंटेक कर सकते हो। तो आपको अपने डाइट पर ध्यान देना ताकि वीकनेस ना लगे, फ्रूट्स में अनार वगैरह ये सब खाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कंसीविंग हैव यू टेकन एनी मेडिसिन? नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी, बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी है मेरी, नेचुरल कंसीव किया। इवन मैंने आपको बताया कि अनप्लान बेबी है, अगर प्लान बेबी होता तो मेरे पीरियड मिस होते मैं चेक कर लेती, बट मैंने चेक किया है काफ़ी टाइम बाद क्योंकि बिल्कुल प्लान ही नहीं था हमारे बेबी का। हमारा प्लान था 2023 में प्लान कर सोचा था हमने, बट ये उसी टाइम हो गया तो कोई वो नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने उससे पहले मतलब बीच बीच में कई बार होम्योपैथिक मेडिसिन ली है, वो मैंने कंसीव के लिए कभी नहीं ली कि मुझे कंसीव करना है, क्योंकि मैं 2-3 बार कंसीव कर चुकी थी और मेरे को नेचुरल कंसीव था, तो डॉक्टर ने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली कंसीव कर लेती है, वो मेरी मतलब ध्यान नहीं रख पाती थी, कुछ भी बोलो मिसकैरेज हो जाता था, और मेरा भी उस टाइम पे प्लान भी नहीं चल रहा था कि मेरे को भी कंसीव करना है। तो इसलिए मैंने मेरे को प्रेगनेंसी के लिए मैंने कभी दवाइयाँ नहीं खाई है, मैंने पीरियड्स के लिए ज़रूर खाई है, तो मैंने वो होम्योपैथी खाई है जो कि बहुत सही रहती है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो होम्योपैथी के लेना, एलोपैथी मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी शावर का कितना खर्चा आया? तो बेबी शावर का जो टोटल हमारे पड़ा है वो 37,000 या 38,000 के, मतलब 37,000-38,000 रुपए के अप्रॉक्स पड़ा है हमारा सारा उसमें, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे। जो हमने वेन्यू वगैरह किया, खाने वाने का किया था, वो मैंने 20% के हिसाब से किया था, तो आप हिसाब लगा सकते हो 600 रुपीज़ पर प्लेट थी। और मैंने सारा प्रिपरेशन वाले वीडियो में बताया कि डेकोरेशन का इतना था, केक का इतना था, केक हमारा आई थिंक 4,000 अप्रॉक्स था, ऐसे करके था, तो हमारा इतना पड़ा है। फोटोग्राफर था, वीडियोग्राफर, तो और बाकी ये सब चीज़ें, रिटर्न गिफ्ट वगैरह मिला के ऐसे करके हमारे 37,000-38,000 रुपये पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वॉमिटिंग होती है क्या अभी भी? तो नहीं, मुझे अभी वॉमिटिंग नहीं होती है, बहुत रेयर होती है। जैसे 2 दिन से मैं जब सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खाती थी तब मुझे वॉमिटिंग होने लगी, तो फिर मैंने उनको स्किप कर दिया और टाइम चेंज कर लिया ऐसे करके, तो ऐसे वॉमिटिंग अब नहीं होती इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी अभी तक कितनी सोनोग्राफी हो चुकी है? तो मेरी अभी तक 5 सोनोग्राफी हो गई। एक थी मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, वो शायद पता नहीं होती है नहीं होती है आप सबके, वो थी। उसके बाद में मेरी थी सेकंड हार्ट बीट के लिए, थर्ड वाली थी थर्ड मंथ में, फिर एक फिफ्थ मंथ वाली हुई, और एक मेरी हुई है 6th मंथ में। वो मेरी इसलिए हुई थी क्योंकि बेबी का वो वेट कम लग रहा था, और सेकंड मुझे मूवमेंट फील नहीं हो रही थी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो ये वाली सबके नहीं होती है, बट आई थिंक 3 या 4 तो सबके ही होती है। तो मेरी अभी तक कितनी हो चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5 सोनोग्राफी मेरी अभी तक हो चुकी है, अब 8th मंथ में होगी। और उसके बाद में डिलीवरी के बाद आपके व्लॉग कौन बनाएगा, और डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में होगी? तो डिलीवरी मेरी होगी सेवायतन हॉस्पिटल में, सोडाला में है। एंड डिलीवरी के बाद व्लॉग कौन बनाएगा? तो डिलीवरी के बाद में व्लॉग रेगुलर आएंगे, कुछ मिस नहीं होने वाला। अभी तक तो हमारी यही सोच है, मैं ही बनाऊंगी और साथ में, या फिर मैं उस टाइम पे किसी को रखूंगी डिलीवरी के बाद में व्लॉग बनाने के लिए। तो आपकी नज़र में भी कोई हो ऐसा, जो कोई गर्ल हो ऐसी जो फुल टाइम मेरे पास रह सके, व्लॉग वगैरह बना सके मेरे, तो ये बिल्कुल पेड होगा, मैं उनको बिल्कुल चार्जेस वगैरह पे करूंगी सब। तो अगर आपकी है नज़रों में कोई तो मुझे कॉमेंट करके बता देना। मुझे कोई गर्ल चाहिए जो कि मेरी जितनी ही एज में हो, मतलब लाइक 20 से 25 के बीच में एज में हो, तो ऐसी कोई गर्ल हो तो मुझे आप बता सकते हो। और अभी तो यही सोच, और बाद में फिर मैं खुद ही बना लिया करूंगी। नेक्स्ट है, आपके बेबी नाइट में किक करता है क्या? तो मेरा बेबी नाइट में ही किक करता है, मेरा बेबी दिन में बहुत रेयर किक करता है और नाइट में ही अच्छे से किक करता है। तो ये थे आज के मेरे क्वेश्चंस, होप सो मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दिए होंगे। एंड एक और वीडियो हम लेके आएंगे Q&A का जल्द ही, तो आपकी कुछ और भी ऐसी कोई हो मतलब पूछना हो तो आप मुझे वो कमेंट कर लेना, मैं उसमें बता दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। और